हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड क्लास चल रहा था। मैं हमने सेट की डेफिनेशन की थी, सेट होता क्या है, सेट की नोटेशन जानी थी। सेट को दो फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट सेपरेट करके लिख लेते हैं। और फिर हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा था, सुपर सेट क्या है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। फिर हमने सबसेट्स की काउंटिंग करना सीखा था। करते हैं हम पावर सेट में। पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, और एक एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट खुद का ही सबसेट होता है और हर एक सेट का भी सबसेट बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है हमारा एम्प्टी। वैसे तो इसमें कोई भी एलिमेंट, लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन करने होते हैं तो एम्प्टी सेट की हेल्प से हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ ही प्रॉपर्टीज़ एम्प्टी सेट के बारे में और कर लेते हैं। एम्प्टी सेट लास्ट क्लास में हमने लिखा था नोट डाल के, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ, नोट करते हैं हम फाइ से, नोटेशन है एम्प्टी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। इम्प्रॉपर, हमने प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ लिया था, सुपर सेट के बारे में पढ़ लिया था। इम्प्रॉपर सेट और जान लेते हैं, कौन सा सेट होता है जब हम एलिमेंट को उसी सेट के इक्वल लिख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सेट ए के सबसेट्स कौन कौन से होंगे? एम्प्टी सेट द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और सिंगलटन सेट भी पढ़ लेते हैं हम। सिंगलटन सेट क्या होता है? था ये डेफिनेशन और कर लेते हैं। सिंगलटन सेट वो सेट है में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? सिंगल ही होगा, यानी एक ही एलिमेंट हो, तो इस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अगर हम नोटेशन ए बी एनी सेट, ए बी सेट बी एनी सेट, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 1, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 1, और क्या लिख सकते हैं, ए सेट इज इक्वल टू ए, सिर्फ ए एलिमेंट लिखा एक, ये सेट कौन सा सेट होता है? सिंगलटन सेट। तो सबसेट्स क्या होंगे? फाइ होगा, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2, और खुद सेट। अब ये सारे के सारे इसके क्या हैं? सबसेट्स हैं। वैसे भी देख सकते हो आप फॉर्मूला से भी, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए आर 2, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होता है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो कितने? 4 होंगे। वो कौन कौन से होंगे? 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, और 1, 2। अब इस सबसेट को छोड़ के, खुद को छोड़ के जितने भी सबसेट लिखे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, और जब हम उस सेट के इक्वल ही लिख देते हैं तो वो सेट है हमारा इम्प्रॉपर सेट। जब, क्योंकि एम्प्टी सेट खुद के ही इक्वल होता है, इसीलिए हमने कहा यहाँ पे एम्प्टी सेट इज अ इम्प्रॉपर सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के जो सबसेट्स होंगे वो खुद ही होगा, और खुद आ जाता है, तो उसी सेट को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट। हमने काउंटिंग करना सीखा था पावर सेट में, एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट ऑफ ए इफ ए की कार्डिनलिटी एन है, 2 की पावर कितने एन होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट सही, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हमने पढ़ लिया था। अब इसमें एक और ऐड कर सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ।
टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 की पावर n, और हमने कहा है कि प्रॉपर जब हम निकालते हैं तो उसमें खुद सेट हट जाता है, तो कितने होंगे? 2 raised to power n-1। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉपर सबसेट बताओ किसी भी सेट के। मान लिया कि किसी सेट में 3 एलिमेंट दे दिए और आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, तो कितने होंगे? 7 होंगे। वैसे तो 2 की पावर 3 8 होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, लेकिन अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछता है तो हम एक माइनस कर देंगे, खुद सेट को माइनस कर देते हैं उस केस में, तो कितने हो जाएंगे? अगर 3 है तो 7 हो जाए। क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ओ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, उसके हमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं, और ऑप्शन दिए हैं आपको 7 होंगे, 8 होंगे, 3 होंगे या 32 होंगे। क्या होगा हमारा आंसर? 7 होंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट है विदिन बताना है आपको, सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3। सबसेट काउंट करना है हमें 2 की पावर 3-1, टोटल होंगे 2 की पावर 3, और प्रॉपर पूछा है तो एक माइनस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से? 2 की पावर 3 8 या -1 7। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट DSSB में भी पूछे गए थे, इससे बेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया था। और फॉर्मूला जैसे आप अगर फॉर्मूला अगर याद है आपको, अदरवाइज पावर सेट वाला फॉर्मूला तो है ही, ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं तो आप याद कर सकते हो सबसेट्स निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम। फर्स्ट, सेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट कुछ एलिमेंट्स आर क्या हैं? 1 a1 a2 a3 up to an। सेट में n एलिमेंट है और इसका सब एक नोटेशन लिख लेते हैं हम, ए आर में एलिमेंट है a1 a2 a3 up to an। और ये r की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर 10 तक। तो हमें सबसेट्स काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a हैविंग एलिमेंट, ये कह सकते हो कंटेनिंग फर्स्ट एटलीस्ट होल एलिमेंट्स ऑफ आर, ए आर के कम से कम सभी एलिमेंट को कंटेन करे। तो आप यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कितने होंगे? 2 की पावर n-r। अदरवाइज आप बाइनोमियल थ्योरम, जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया भी था, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको। नेक्स्ट, एटलीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर, एटलीस्ट नो एलिमेंट ऑफ ए आर,
सेम फॉर्मूला रहेगा, टू की पावर एन माइनस आर, एटलीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए आर. नेक्स्ट है, इसी में फॉर्मूला याद रखना है आपको, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए आर. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू की पावर एन में से माइनस करना होगा टू की पावर एन माइनस आर. अगर आपसे पूछे कि कम से कम सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो ए आर के, कोई भी एलिमेंट ना हो ए आर का, सेम फॉर्मूला रहेगा, टू की पावर एन माइनस आर, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए आर. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस, टू की पावर एन माइनस आर. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एटलीस्ट एटमोस्ट वन एलिमेंट, या ये कह सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली, पहले एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ए आर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, और एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए आर का क्या फॉर्मूला होगा, आर प्लस वन टू की पावर एन माइनस आर. और एग्जैक्टली वन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू टू की पावर एन माइनस आर. वेरीफाई कर सकते हो इस रिजल्ट को एन और आर की वैल्यू को, वन टू थ्री पुट करके डायरेक्ट याद रख सकते हो. अगर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बाइनोमियल थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई करके भी सबसेट्स काउंट कर सकते हो, प्रॉपर भी और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी. नेक्स्ट देख, इंटरवल एज ए इनफाइनाइट, इंटरवल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोज इंटरवल, क्लोज नोटेशन क्या रहेगी, क्लोज ब्रैकेट ए बी, वेयर एक्स अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी वैल्यू या तो ए के इक्वल होगी और बड़ी होगी, और बी से लेस रहेगी, बी के इक्वल भी हो सकती. ओपन इंटरवल, नेक्स्ट डेफिनेशन है, ओपन इंटरवल नोटेशन रहेगी, ओपन ब्रैकेट ए बी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वलिटी का साइन हटा देंगे, एक्स की वैल्यू इन बिटवीन होगी ए एंड बी. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेमी ओपन और क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन क्या रहेगी, या तो लेफ्ट से ओपन रहेगा राइट से क्लोज्ड, या लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज्ड. अगर ये है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ए हो सकती है, और ए से बड़ी होगी, बी के इक्वल होगी, ए के राइट से सभी वैल्यूज, और बी हो सकती है और बी से लेफ्ट में सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, अगर हमने सेमी क्लोज लिया है और सेमी ओपन लिया है. उसके बाद है लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, डिफरेंस ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल. मान लिया हमारे पास इंटरवल है वन ए टू बी, इन जनरल ही ले लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस बी माइनस ए, द लेंथ ऑफ इंटरवल. उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में. लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एंड लेट बी बी एनी अदर नॉन एम्प्टी सेट.
ए बी की कार्टिजन पर ए बी को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, ए बी जिसमें से पहला एलिमेंट सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। अगर हम इसको सेट की नोटेशन से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा कार्टिजन प्रोडक्ट, क्या कहेंगे हम, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे के सारे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। अब देखो कैसे लिखना है आपको, मान लिया कि आपके पास ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 5 6 7, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे लिखोगे आप, ए क्रॉस बी, सेट के नोटेशन से ए लिखा है हमने, और वो सारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने अगर 1 लिया है तो दूसरे सेट का हम क्या ले लेंगे, 5 8, 1 6 के साथ भी जा सकता है, 1 6, 1 7, ऐसे ही दूसरे वाले एलिमेंट भी लिख सकते हैं हम। दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 को 5 के साथ लिखेंगे, 2 को 6 के साथ लिखेंगे और 2 को 7 के साथ भी लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, 3 और 3 6। तो यहाँ से हम काउंटिंग सीखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट होगा अगर ए कोई सेट है जिसमें एम एलिमेंट है, बी सेट है इसमें एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये नोटेशन है। अगर मैं इस पर ऐसे लिख, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए से भी लिख सकते हो आप यहाँ, और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनेलिटी बोलते हैं, कार्डिनेलिटी ऑफ सेट ए एम, कार्डिनेलिटी ऑफ सेट बी एन, ए क्रॉस बी में कितने होंगे, एम इंटू एन होंगे। इस पे अप्लाई करते हैं, अगर कितने एलिमेंट थे ए में, 2, ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, बी में 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए हैं, हम 6, काउंट कर सकते हैं हम एलिमेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिलेशन, रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R defined on set is subset of Cartesian product, subset of Cartesian product, important line है ये, subset of कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट, रिलेशन क्या है, सबसेट है, और सबसेट की काउंटिंग करना सीखा हमने पावर सेट में, की पावर एन से। तो आर क्या है, सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, और कार्टिजन में प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होंगे, अगर सेट में एलिमेंट है एम और कार्टिजन प्रोडक्ट में सेट में एन, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में एलिमेंट हो जाएंगे एम इंटू एन। और सबसेट की काउंटिंग कैसे सीखी हमने, 2 की पावर करके, तो यहीं से हम सीख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन निकालना, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना, वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर कार्टिजन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट हैं एम इंटू एन। अगर सेट हमारे अलग अलग सेट हैं, डिस्टिंक्ट सेट हैं, तो 2 की पावर एम एन हो जाएंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। अगर सेट एक ही हो जाए तो उसको बोलते हैं हम
यूनिवर्सल या ट्रिवियल सेट रिलेशन बोल सकते हैं, यूनिवर्सल या ट्रिवियल रिलेशन, यूनिवर्सल या ट्रिवियल रिलेशन जो हर जगह लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए आर डिफाइंड ऑन ए, ये लाइन लिखी होती है। इसका मतलब होता है कि जो सबसेट लिए हमने वो कहाँ से लिए हैं, एक रोस ए से ही लिए, एक रोस ए, दोनों ही सेट ए है हमारे, तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हो आप। तो यहाँ सबसेट ऑफ किसका होगा, ए क्रॉस ए। तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने, नंबर ऑफ रिलेशन ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एन, कितने होंगे, आर टू की पावर एन इंटू एन, यानी के एन स्क्वायर होंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, देखो सेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए, अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप विद इन सेकेंड आंसर कर सकते हो, इफ लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए हुज कार्डिनलिटी, हुज कार्डिनलिटी is C, then number of relation, number of relations are कितने होंगे, first option है, second option है, two की power three होंगे, second option two की power सिक्स होंगे, फोर्थ ऑप्शन पावर नाइन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। सेट है हमारे पास ए पे डिफाइंड है, ए में एलिमेंट कितने दे रखे हैं, कि रिलेशन निकालने हैं, डिफाइंड ऑन ए कहा, इसका मतलब एक रोज ए की बात की है, ए डिफाइंड ऑन ए जैसे ही दिखेगा तो वहां पे एक रोज ए, अपने आप में सोच लेना कि एक रोस ए सेट ए की ही बात की है। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, थ्री इंटू थ्री, रिलेशन काउंट करने हमें तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टू की पावर थ्री इंटू थ्री नाइन होंगे, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये होगी डेफिनेशन रिलेशन की, अब हम टाइप पढ़ लेते हैं रिलेशन के, टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है आइडेंटिटी, इफ लेट आर बी, सभी के लिए लिख लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन एनी सेट ए, एनी नॉन एम्प्टी लिख यहाँ पे, सेट एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, देन आइडेंटिटी रिलेशन कौन से एलिमेंट होंगे, इफ every element, if every element is related to itself, और एक चीज और है यहाँ only, ये word important है definition, हर एक element खुद से related होना चाहिए सिर्फ, तो एग्जाम्पल देखो क्या होगा, एक सेट है हमारे पास P जिसमें एलिमेंट है वन टू, दो ही एलिमेंट, हमने कहा कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए,
यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन को मैंने आई से ही डिनोट किया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये आइडेंटिटी रिलेशन ही लिखा है यहाँ पे। आइडेंटिटी रिलेशन हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वन वन से रिलेटेड होना चाहिए और टू टू से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एक रिलेशन और लिख दिया आई वन वन वन, इसके ही रिस्पेक्ट में लिखा है, मैंने पी सेट के रिस्पेक्ट में आई वन, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री लिखी है वन वन। आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने लिखा वन वन से रिलेटेड, टू टू से रिलेटेड, यानी कि दो ही एलिमेंट थे और दोनों ही खुद से रिलेटेड है, तो ये तो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आई वन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? अब इस वर्ड की इंपॉर्टेंस देखना यहाँ क्या होगी, ओनली की। देखो सेट में एलिमेंट थे दो, हमने यहाँ पे लिखा वन वन से रिलेटेड है, सिर्फ टू, यहाँ टू के बारे में कोई बात नहीं की, टू टू से रिलेटेड है या नहीं है वो नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसका रिलेशन तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। होप सबको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आइडेंटिटी रिलेशन की, जब हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो सिर्फ ओनली, वो रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सेकंड है, सेकंड डेफिनेशन है हमारी। और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ही क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पे एक नोट डाल के एक लाइन लिख लो, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक। किसी भी सेट के लिए कितने आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं, एक ही होगा। आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक फॉर एनी, किसी भी सेट के लिए कितने भी एलिमेंट हो उस सेट में, तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ क्या होगा, यूनिक ही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट टाइप क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब देखो जनरल डेफिनेशन पढ़ें अगर हम, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है जब उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। ये डेफिनेशन पढ़ी हमने, आर डिफाइन कर लिया था, हमने पिछली स्लाइड में आर को डिफाइन कर लिया था कि आर क्या लिया हमने, रिलेशन लिया है जो खुद पे ही क्या है, डिफाइंड है। सेम सभी की डेफिनेशन के लिए चलेगा वो। यहाँ पे आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, वो उस रिलेशन को आर को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ये डेफिनेशन लिखी होती है बुक, इफ ए बिलोंग टू ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होगा जब रिलेशन के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। अब आइडेंटिटी से रिलेट करके देखना इसको, या ये कह सकते हैं और इफ रिलेशन, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, इफ आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मैंने वही आई लिखा है जो अभी पढ़ा था हमने, आइडेंटिटी रिलेशन इज कंटेनिंग आर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। एग्जांपल से समझते हैं, एक सेट ले लेते हैं, हम सेट ले लेते हैं नोटेशन, मान लिया हमने एक सेट लिया है पी जिसमें एलिमेंट है वन टू, एक रिलेशन डिफाइन किया हमने आर वन, इसमें एलिमेंट है वन वन, टू टू, थ्री थ्री, वन टू। एक हमने रिलेशन डिफाइन किया आर टू, इसमें एलिमेंट है वन वन, टू टू, वन टू, साथ में ले वन भी। एक रिलेशन डिफाइन किया हमने आर थ्री, इसमें एलिमेंट है वन वन, वन टू, वन थ्री।
हमें इन चार तीनों रिलेशन से ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है। क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन में और आता भी है बहुत बार, आइडेंटिफाई करना कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। मान लो इस सेट में तीन एलिमेंट है, हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रिलेशन में के सभी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और इसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन से रिलेट करके पढ़ें अगर तो आसान हो जाएगी ये हमारे लिए। डेफिनेशन क्या थी आइडेंटिटी रिलेशन की, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे देखो 1, 0, 2, 3 तीन एलिमेंट लिए हमने, 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है R1 में, 3, 3 से भी रिलेटेड है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दे रखा है 1, 2। हमें ये देखना ही नहीं है 1, 2 है यहाँ ये नहीं है, हमें तो ये देखना है कि सारे के सारे आइडेंटिटी वाले एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस R1 में तीनों के तीनों प्रेजेंट है तो R1 कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्या R2 भी होगा, R2 में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 1 है, 2, 2 भी है, लेकिन यहाँ पे 3, 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से R2 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इस R2 रिलेशन में आइडेंटिटी कंटेंड नहीं है। नेक्स्ट देखो R3, R3 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 1 है, 2, 2 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है, तो R3 भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, वो रिलेशन जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन तो कम से कम हो, बाकी के एलिमेंट है नहीं है वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बन जाता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो है जो आइडेंटिटी को कंटेन करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, क्या कह सकते हैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर बट कन्वर्स ट्रू होगा क्या। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल किया था तीन एलिमेंट लिए थे R1, R2, R3, तो R1 तो था उसमें आइडेंटिटी तो था लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था तो वो आइडेंटिटी तो नहीं होगा। अगर हम वो ऐड नहीं करते तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता और आइडेंटिटी भी होता। बट कन्वर्स का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हमने R1 में 1, 2 नहीं लिया होता तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी तो बन जाता, लेकिन जैसे ही 1, 2 लिख दिया उसके अंदर तो वो आइडेंटिटी नहीं है। तो कन्वर्स मे नॉट बी, मे और नॉट बी ट्रू। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया था R1 इसमें आइडेंटिटी तो है 1, 2, 3, 3 अगर ये लिख दिया R1 या हमने R2 1, 1, 2, 3 और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने ऐड किया था 1, 2 इनके लिए सेट हमने लिया है मान लिया 1, 2 और तो R1 भी रिफ्लेक्सिव है R2 भी रिफ्लेक्सिव है लेकिन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है आइडेंटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ में आ गई होगी ये लाइन, नोट हमने लिखी नोट डाल के, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन हमारा थर्ड सिमेट्री रिलेशन। आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, सभी में लिखना है आपको, तो आर रिलेशन को सिमेट्री कहेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, और ऐसा सभी एलिमेंट के साथ होना, ए बी बिलोंग टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी ये गिवन होगा तो बी को ए से रिलेटेड होना होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे सेट पास सेट है 1, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया R1,
उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, वन वन है, टू टू है, वन टू। दूसरा हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया आर टू, जिसमें एलिमेंट है वन टू, टू वन के साथ वन वन टू। एक आर थ्री हमने डिफाइन किया जिसमें एलिमेंट है टू वन सिर्फ। आर फोर हमने डिफाइन किया जिसमें एलिमेंट है वन टू वन। आपको बताना है इन रिलेशन में से सिमेट्री रिलेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है इस बी सेट के लिए। अब देखो आर वन में, आर वन में वन वन है, टू टू है, लेकिन वन वन से रिलेटेड है, क्या उल्टा है? है यही रहा। टू टू से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, प्रेजेंट है। वन टू, वन टू से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे टू वन से रिलेटेड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, नहीं होगा। नेक्स्ट रिलेशन है वन टू से रिलेटेड है, क्या इसका उल्टा भी यहाँ पे प्रेजेंट है? है ये रहा टू वन। फिर वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिलेशन। नेक्स्ट देखो आर थ्री, आर थ्री में टू वन से रिलेटेड है, क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है आर फोर, आर फोर में वन टू है, टू वन है, हमें वो चेक करने हैं, वो एलिमेंट चेक करने जो रिलेशन में दे रखे हैं, क्या उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में प्रेजेंट है? बाकी प्रेजेंट हो ना हो हमें नहीं, हमें नहीं चाहिए वो वाले एलिमेंट, हमें सिर्फ रिलेशन से चेक करना है कि क्या ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे वन टू है, टू वन भी है, तो ये आर फोर भी क्या बना देगा? सिमेट्री रिलेशन। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी के होने से क्या सिमेट्रिसिटी पे इफेक्ट पड़ा है? देखो इस वाले में आइडेंटिटी प्रेजेंट थी, आइडेंटिटी रिलेशन, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख लेते हैं, एक और बना लेते हैं आर फाइव, समझ में आ जाएगा आपको। आर फाइव में कौन कौन से एलिमेंट लिख दिए, वन वन और टू टू, वन वन से रिलेटेड है, उल्टा भी है क्या प्रेजेंट? वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, इसका उल्टा भी यहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्री रिलेशन भी है। यहाँ से एक नोट और बन सकता है आपका कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इज थ्री, उल्टा बताओ, देखो इस वाले में आइडेंटिटी तो प्रेजेंट थी लेकिन रिलेशन नहीं था, तो सिमेट्री एक आर फोर रहा, आर फोर तो सिमेट्रिक रिलेशन तो है, क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन वन टू टू तो है ही नहीं, तो आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो सिमेट्री है, लेकिन उल्टा उल्टा जरूरी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्री बट कन्वर्स नीड नॉट बी, कन्वर्स का मतलब है, या ये लिख सकते हो मे और मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है, क्योंकि देखो आर फाइव आइडेंटिटी रिलेशन था और सिमेट्री भी था, ये हो भी सकता है और, लेकिन सिमेट्री आइडेंटिटी है इन जनरल हम नहीं कह सकते, आइडेंटिटी सिमेट्री तो होगा। और पिछले रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका सिमेट्री रिलेशन भी है। नेक्स्ट है फोर्थ, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, आपको लिखना है आर इज डिफाइंड ऑन ए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी, ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, सभी के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सेट लिया हमने वन टू, हमें चेक करना है ये वाली कंडीशन कि वन टू है, टू ए बी से रिलेटेड है, ये दोनों कंडीशन दे रखी, क्या ये है प्रेजेंट उस रिलेशन में? अगर है ऐसा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। तो एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है, हमने आर वन डिफाइन, आर वन में पहले हम आइडेंटिटी,
आप रिलेट कर पाओ। फिर है आर टू, आर टू में वन 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 टू टू वन और थ्री। नेक्स्ट है आर थ्री, जिसमें है एलिमेंट वन टू टू थ्री वन वन। आर फोर में एलिमेंट है वन टू टू थ्री वन थ्री वन वन टू टू। आपको बस चेक करना है कि इनमें से कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो आर वन में, आर वन में क्या दिया है, वन वन टू टू थ्री, वन वन से रिलेट, वन वन से है और वन वन से है, रिलेशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे टू टू के लिए थ्री थ्री, यानी कि ये रिलेशन है, स्टार लगा के लिख वो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी क्या बन गया, ट्रांजिटिव इज ऑलवेज। भी है रिफ्लेक्सिव भी है तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। देखो नेक्स्ट आर टू, आर टू में एलिमेंट है वन वन, वन वन से रिलेटेड है, फिर वन वन टू से रिलेटेड है, वन वन से है, वन टू से है, ए बी से, बी सी से है, तो क्या ए सी है, वन टू है यहाँ पे, वन वन से है, वन टू से है, क्या वन टू प्रेजेंट है यहाँ, ए सी देखना है ना हमें, क्या यहाँ प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। टू वन से है, वन वन से है, टू वन से, यहाँ से तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आर थ्री, आर थ्री में एलिमेंट देखो वन टू से रिलेटेड है, वन किससे रिलेटेड है, टू से, टू थ्री से रिलेटेड है, क्या वन थ्री यहाँ पे प्रेजेंट है, वन टू से रिलेटेड है, टू थ्री से है, वन थ्री यहाँ पे प्रेजेंट है, वन वन थ्री पे है। उसके बाद वन थ्री से है, थ्री है ही नहीं, वन टू से है, टू थ्री से है, वन थ्री यहाँ पे प्रेजेंट है, वन वन है, टू टू है, जो इसने दे रखा है सिर्फ उसमें देखना, आपको जो नहीं दिया है उसको नहीं देखना है। तो ये रिलेशन जो दे रखा है आर फोर, ये भी क्या बना देगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बना देगा। चेक कर सकते हैं, टू थ्री से रिलेटेड है, थ्री किसी से रिलेटेड नहीं दे रखा है, क्या वन टू, टू टू वन टू है, ये भी हो जाएगा, वन 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 टू, फिर से वन टू आएगा, ये भी सभी हैं। आर फोर भी क्या है, ट्रांजिटिव, और कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमिट्री है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो उसको हम बोलते हैं एक नया रिलेशन फाइन कर ले, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्या कहेंगे, रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमिट्री एंड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन जब ये तीनों रिलेशन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस, और स्टार लगा के हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। या एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप कि ए इज रिलेटेड टू बी, के ए इज पैरेलल टू बी। आपको चेक करना है ये रिलेशन कैसा रिलेशन है। अब देखो कैसे डिफाइन किया है रिलेशन को, कि वो दोनों आपस में पैरेलल है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सबसे पहले ए इज रिलेटेड टू ए ही चेक करना होता है, तो यहाँ से खुद लाइन खुद के पैरेलल होगी, या ए बी की जगह आप एल वन एल टू लिख सकते हो, एल वन इज रिलेटेड टू एल टू इफ एल वन इज पैरेलल टू एल टू। एल वन के पैरेलल है अगर, तो यहाँ से फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा, खुद खुद के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा L1 कोई लाइन है वो L2 के पैरेलल है, इफ सिमेट्री में ये होता है L1 इज पैरेलल टू L2, क्या उल्टा भी है इसमें L2 इज पैरेलल टू L1। थर्ड
कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 किसी तीसरी लाइन L3 के पैरेलल है, क्या ये पैरेलल नहीं होगा? होगा। ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमारा एक यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट छूट गया था, यूनिवर्सल कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल में सभी सेट कंटेन, जनरल नोटेशन है ये। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में भी हम यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से और इसके अंदर जो सेट होंगे उनको सर्कल से डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का, यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ए के बी में ऐड कर दें और माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ऑपरेशन कर लेते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या होगी? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। ए यूनियन बी कैसे डिफाइन होगा? वो एलिमेंट आएंगे जिसमें एक्स ए से भी बिलोंग करेगा या एक्स बी से बिलोंग करेगा। यूनिवर्सल सेट में यूनियन को कैसे डिनोट करोगे? ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये वाला जो पोर्शन होगा ए यूनियन बी होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइन करेंगे? वो एलिमेंट जो ए से भी बिलोंग करते हैं एंड बी से में भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद थर्ड है डिफरेंस। तो वेन डायग्राम से भी लिख सकते हो, वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कौन सा होगा? ये सेट ए है, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस ऑफ ए सेट, मान लिया हम ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म है ये जो हम लिख रहे हैं, ये वाली फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट की नोटेशन रिप्रेजेंटेशन की एक्स, वो एक्स जो ए में तो बिलोंग करते हैं लेकिन बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं आने चाहिए। तो इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो वो एलिमेंट जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये वाला पोर्शन क्या होगा? सिर्फ बी के एलिमेंट है यहाँ पे, हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है फोर्थ, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है तो उसको हम लिखेंगे कि हमने यूनियन में से, दो सेट की यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं ये दो सेट है हमारे पास, ए सेट और ये बी। इस पूरी यूनियन में से हमने क्या माइनस कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। कौन से एलिमेंट आ गए? ये वाले और ये। और ये वाले कौन से एलिमेंट है? ए ए वाले हैं, डिफरेंस में ए माइनस बी लिख सकते हैं। और ये वाले एलिमेंट कौन से हैं? बी माइनस ए। तो और करके लिख सकते हो आप इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट देखो, इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 0 फाई और एक सेट दिया हुआ है फाई, देन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फाई पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा, फाई सिंगलटन
क्या पावर सेट में बिलोंग करता है या ये है। देखो सेट दिया हमें, सेट में तीन एलिमेंट दे रहे, 0, 5 और इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, ये भी पूछ सकता था। यहाँ तीन एलिमेंट है पावर सेट में, 8 एलिमेंट, 3 है ये एलिमेंट, यहाँ 5 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसके पावर सेट के एलिमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से जा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ था कि पावर सेट में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब एलिमेंट की बात की है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, ए सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स लिख सकते हैं कौन कौन से होंगे। देखो 0 दिया हुआ है तो 5 तो होता ही है, सबका सबसेट होता है। उसके बाद सिंगलटन 0 आएगा, सिंगलटन 5 आएगा, और सिंगलटन ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट ही सिंगलटन था, इसका भी अगेन सेट की फॉर्म में लिखना था, और एक खुद ए सेट आ जाएगा उस, और 0 के साथ 5 डबल डबल, हमें ये देखना ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो इस ऑप्शन से अगर हम जाते यहाँ पे तो क्या क्या दिया हुआ था कि 5 बिलोंग करता है, सिंगलटन सिंगलटन की बात कर रखी है, तो आपको पावर सेट में सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट लिख के देखने थे, ये सारे एलिमेंट लिखने ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 5 आएगा, सिंगलटन 5 आएगा, और ये खुद सेट आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। अब देखो 5 बिलोंग टू पावर सेट, करता है बिलोंग, करता है, उसके बाद सिंगलटन 5 भी करता है, उसके बाद ये भी एलिमेंट है। क्या 0 बिलोंग टू लिख सकते थे हम यहाँ पे, नहीं लिख सकते, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन, देखो रखी है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट। जब हम कॉम्प्लीमेंट किसी सेट पे दो बार अप्लाई करते हैं तो वही सेट आ जाता है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट एक ऑपरेशन है, हमने क्लासेज में डिस्कस भी किया है, नहीं तो फिर से देख लो कि एक सेट है, मान लिया हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, या वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा देती हूँ मैं आपको, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये है ए सेट, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए यानी ए नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इस पर फिर से अप्लाई कर दो तो ये वाला हट जाएगा, कौन सा आ जाएगा वापस वाला, या ये देख लो एक सेट है जिसमें ए 1, 2 एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट करोगे ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, अब क्या आ जाएगा 1, 2, और 1, 2 क्या था हमारा, वही, यानी कि दो बार कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने से वही सेट आ जाता है। देखो इसको इसमें क्या पूछा था, ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगेन कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, एक प्रॉपर्टी और होती है डी मॉर्गन लॉ होता है, डी मॉर्गन लॉ गौर कर लेते हैं, ए यूनियन बी, इस पे अगर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया है, इम्पोर्टेंट लॉ है, बहुत बार यूज होता है, यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यहाँ पे क्या किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी पे दो बार कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो बी वापस ए इक्वल, उसके बाद इंटरसेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा,
इंटरसेक्शन में और बी पे लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, या क्या कह सकते हो यहाँ से कि ए माइनस बी की बात की है, ए माइनस ए में से बी हटा दिया या बी में से ए हटाया गया है यहाँ पे। तो जब हम वेन डायग्राम में ए में से बी माइनस कर देते हैं और बी में से ए माइनस करते हैं तो एलिमेंट कौन से वाले आते हैं, ये वाले। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये एलिमेंट कौन से होंगे, ए माइनस बी, और ये एलिमेंट क्या है, बी माइनस। क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं। क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, पर बी फाइव, दोनों में क्या इंटरसेक्शन आएगा, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइव। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है रिलेशन, सेट की जगह ए की जगह एन दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट होते हैं वन से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक, वन अप टू इनफाइनाइट। रिलेशन कैसे डिफाइन है, आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ इसी रिलेशन को पुट करके हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। नेचुरल नंबर पुट करो, वन वन पुट करते हैं, अगर हम अगर x की जगह 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 माइनस 2 39, यानी कि क्या वैल्यू आई, 139। x की जगह रखा 1, उसके बाद x की जगह रखेंगे 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 माइनस 4 4 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या होगी, 41 माइनस 4 37 137, ऐसे ऐसे वैल्यू आती रहेंगी। इसमें कभी भी वन वन नहीं आएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, रिटर्न ट्रायल है ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो जब जब वन वन नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा, थ्री थ्री भी नहीं आएगा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कभी भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। और जब कभी भी किसी रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं आता है तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन। अब यहाँ पे नहीं आया है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसका रिवर्स भी नहीं आता, आप चेक कर सकते हो इसमें वैल्यू पुट करके, ना ही ट्रांजिटिव होगा, तो ये रिलेशन कैसा होगा, इसका ऑप्शन क्या। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट एंड फोर एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, एक सेट है, क्या दिया हुआ है, एक सेट में दो एलिमेंट है और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, चार। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स, लेकिन किसके निकालने हैं इस बार, कार्टिजन प्रोडक्ट के, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है, कार्टिजन प्रोडक्ट के तो निकालने हैं, लेकिन वो सबसेट्स निकालने हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो एक सेट में दो एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में चार एलिमेंट है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, अप्लाई होती है 24, यानी कि 8 एलिमेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स वैसे टोटल काउंट करें तो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के काउंट करने थे हमने, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की पावर 8, लेकिन हमें तो कौन से काउंट करने हैं, वो सबसेट्स काउंट करने हैं जिसमें तीन और तीन से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लगेगी बाइनोमियल थ्योरम की, अदरवाइज आपका कैलकुलेट करते ही रहोगे, पेपर का टाइम निकल जाएगा। देखो टोटल कितने एलिमेंट है, 8, कैसे काउंट करते हैं बाइनोमियल से, 8c0 8c1 प्लस 8c2 प्लस 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 कहाँ तक जाएंगे, 8c8 तक, 8c हमें काउंट करने हैं वो सबसेट जिसमें तीन और तीन से ज्यादा एलिमेंट है, यानी कि ये वाले तीन और तीन से ज़्यादा वाले। हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, हम तो सिर्फ ये वाले काउंट कर लेते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे। ये वाले कौन से कितने एलिमेंट होंगे, 8c0 की वैल्यू होती है 1, कॉम्बिनेशन 8c NCR NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, 8c0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,
8C1 नीचे जितना लिखा होता है उतने तक खोलना होता है, एक तक, नीचे भी एक है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीखेंगे भी हम सारे ट्रिक्स। 8C2 नीचे जो लिखा होता है ना 8C2, तो इसको 8 को 2 तक खोल दो, 8×7 नीचे जो लिखा हुआ उसको उल्टा 1 तक ले जाओ, 2×1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। कैलकुलेट करो, 8 और 1 9, 9 और 28 37। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे 2 की पावर 8, ये माइनस कर दो, वो आ जाएंगे के सबसेट में 3 और 3 से ज़्यादा एलिमेंट है, वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 8 माइनस 37, ये होता है 256। 2 से 37 माइनस करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 9, 1। तो 256 भी प्रेजेंट था ऑप्शन में, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेट दिया हुआ है एक्स में एलिमेंट कैसे हैं 4 की पावर n माइनस n बिलोंग नेचुरल नंबर, और वाई सेट है में एलिमेंट कैसे हैं 9×n-4 नंबर, आर टू सेट्स वेयर एन इन द नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन एक्स यूनियन वाई की बात कर रहा है, एक्स सेट है, आपको यहाँ लिखना नहीं होता क्वेश्चन, जब भी आपको अटेम्प्ट करने हैं आपको सेट जो दिया हुआ है उसको लिखना नहीं है, फिर से आपको उसी में वैल्यू पुट करनी है जो लिखा हुआ पेपर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए वापस लिख पे 4 की पावर n-3n-1 वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पुट करो n को 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पुट करो, 4 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 4 0, नेक्स्ट एक्स को 2 पुट करो 16 माइनस 6 माइनस 1 9, एक्स को 3 पुट करो 34 माइनस 3 3 9 माइनस 1 10, 34 में से 10 माइनस कर दो 54, यानी कि 9 के कुछ मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है एक्स में, वाई में वैल्यू पुट करके 9×, क्या दिया हुआ है n-1, ये एलिमेंट दिया n, यहाँ भी यहाँ से आपको एक्स बिलोंग टू है, ये एक्स बिलोंग n बिलोंग टू नेचुरल, पुट करो n को 1, n को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो पुट करो -1 1, यानी y इज इक्वल टू 9, 3 पुट करो 18 27, यानी कि 9 के मल्टीपल, लेकिन यहाँ सारे मल्टीपल नहीं आ रहे, इसका मतलब जो x है ना वो सबसेट आ रहा है y का, इक्वल नहीं होगा लेकिन सबसेट होगा y का, जब x पूरा का पूरा y में कंटेन है तो यूनियन अगर हम करेंगे x की y के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने x y, तो x यूनियन y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बड़ा वाला सेट आ जाएगा y, आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ए सेट में वो नेचुरल इवन नेचुरल नंबर है जो 8 से छोटे हैं, बी में प्राइम नंबर दे रखे हैं 7 से छोटे हैं, तो हमें काउंट करने हैं रिलेशन ए से बी, पहले ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर जो 8 से छोटे हैं लेकिन कौन से इवन जाएंगे 2, 4, 8 से छोटे, इक्वल नहीं कहा है इसने, बी सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो प्राइम नंबर हैं जो 7 से कम हैं, 2 से शुरू होते प्राइम नंबर 2, 3, 5, लेस देन कहा इक्वल नहीं कहा है तो 5 तक लिख, यानी कि ए की कार्डिनलिटी भी कितनी दे रखी है 3, बी की कार्डिनलिटी भी क्या है 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें काउंट करने हो कहाँ से ए टू बी, तो क्या होता है सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 3×3 9, और रिलेशन 2 की पावर, क्योंकि सबसेट्स काउंट करते हैं सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 9, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ऑप्शन नंबर 1 इज। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन ए सेल फोन,
15% फैमिलीज ओन ए स्कूटर एंड 55% फैमिलीज ओन नाइदर सेल फोन और नाइदर स्कूटर. इफ 1500 फैमिलीज क्या दे रखा है दोनों, देन नंबर ऑफ फैमिलीज निकालना हमें टाउन में. दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप. क्या दिया हुआ है, एक तो हम क्या करते हैं सो मान के करते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है ट्रिक से. अगर हम सो लेके करते हैं तो क्या कहा इसने, 25 सो में से 25, सो में से 25 कौन से हैं जो सेलफोन रखते हैं, ठीक है, 15% वो है जो स्कूटर रखते हैं. ये दोनों क्या हो गए 40 वो है जो दोनों रखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 55 वो है जो कुछ भी नहीं रखते हैं. अब बचे हुए जो दोनों रखते हैं वो कौन से जाएंगे, 25 बचे क्या, 65 माइनस 40 65% आर नाइदर, क्या वो दोनों रखते हैं वो कितने हैं 1500. तो में से 65 कुछ भी नहीं रखते हैं तो बचे हुए कितने हैं, 5 5 65, लेकिन बचे हुए तो 40 हैं. बचे हुए तो कौन से हैं 40, यानी कि वो बचे हुए 40 नहीं 5 है. और क्वेश्चन में 5 की वैल्यू दे रखी है, 1500 दे रखी है. एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, क्या हो जाएगी 300. एक यूनिट की वैल्यू 300, लेकिन हमने तो एक यूनिट को 100 माना था. अच्छा टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो साथ, क्या आ जाएगा 30,000 नंबर ऑफ फैमिलीज. ये है 100 ट्रिक में हम 100 एज्यूम करके करते हैं. फिर अपना बेसिक जैसे कैसे करो, टोटल एक्स है, टोटल एक्स है, एक्स का 25% कौन सी फैमिलीज हैं जो सेल फोन 25%, यानी कि एक्स का 25 तो कह सकते हो. फिर 15% वो हैं जो स्कूटर रखते हैं, यानी कि एक्स का 15%. फिर 65 वो हैं जो कुछ भी नहीं रखते हैं, और 1500 कौन से जो दोनों रखते हैं. कैसे करते हैं हम, फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस इंटरसेक्शन. यहाँ से क्या हो जाएगा, जो दोनों रखते हैं वो 1500 और जो कुछ भी नहीं रखते वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 15% भी ऐड हो जाएगा, 65% ऐड हो जाएगा. तब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो एक्स की बेसिक अप्रोच और ये है एक, आपका मन करे दोनों ही से भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स. वेन डायग्राम से करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 25, मैथ और कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये मान लिया हम सेट है और ये है सी. इसने कहा कि 12 स्टूडेंट वो है जो मैथ लेते हैं, 12, 8 वो है जो मैथ और कंप्यूटर साइंस, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात है 8, तो सिर्फ मैथ वाले कितने हो जाएंगे, 12 में से 8 गया 4, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले कितने हो जाएंगे 4. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि सी माइनस एम निकालना हमें. तो एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे तो ठीक है, टोटल 25 थे, 25 में से जो दोनों रखते हैं वो 8 हैं, 12 मैथ वाले हैं, 12 मैथ वाले हैं, टोटल हैं 12, यहाँ से ये 8 हैं तो ये सिर्फ मैथ वाले कितने हो जाएंगे 4. और अगर हम यहाँ से ये माइनस करते हैं कंप्लीट 12, तो ये वो वाले स्टूडेंट हो जाएंगे जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट, डायग्राम से ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी, 55 स्टूडेंट हैं, इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए बी, ए बी दो ही हैं न्यूज़पेपर हमारे पास, ए बी 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए न्यूज़पेपर रीड करते, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर, 7 ऐसे हैं जो दोनों, उसके बाद हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर रीड नहीं कर, दोनों ही न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी वाली और बी माइनस ए वाली वैल्यू, यहाँ से 7 ये है तो सिर्फ ए वाले कितने बच जाएंगे, 30 में से 7 माइनस करो 23, ठीक है, तो यहाँ से कितने होंगे, माइनस करो 20 में 7 13, 13 और 23 30, टोटल है हमारे पास 55, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप यहाँ से, इन्हें सर्वे टोटल 55 स्टूडेंट है, 30 वो है जो ए न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 20 वो हैं जो बी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 7 वो है जो दोनों करते हैं, हमें वो निकालने हैं, यहाँ वाले निकालने हैं वाले जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, तो 23 और 27 कितने हो जाएंगे, ये 50 30 और 13 है ना यहाँ पे 3 43, टोटल है 55, 55 माइनस 40 आ जाएंगे तो बच आ जाएंगे 12, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गया था यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट कौन से होंगे, 12 स्टूडेंट होंगे जो ना तो ए न्यूज़पेपर रीड करते ना ही बी न्यूज़पेपर रीड करते, दोबारा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं हमारे पास 30, टोटल वो हैं जो ए न्यूज़पेपर, 20 वो हैं जो बी रीड करते हैं, 7 वो हैं जो दोनों को पढ़ते हैं, हमें वो निकालने हैं जो कोई भी नहीं करता, ना ए को रीड करते हैं ना ही बी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ये वाले एलिमेंट, तो इसमें से ये टोटल वाले अगर हम माइनस कर देते हैं तो आ जाएंगे, ये 7 हैं तो ये कितने बच गए, 23 और ये 13, 13 और 7 20, 20 और 23, 43, 55 में से माइनस 12, ऑप्शन बी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के 80 दे रखे हैं, सेट ए के एलिमेंट है 40, बी के हैं 55, इंटरसेक्शन में 20, हमें निकालने हैं सम में, एडजॉइंट कह सकते हो आप, यानी कि हमें ए माइनस बी के एलिमेंट काउंट करने हैं और बी माइनस ए के एलिमेंट काउंट करने, देखो टोटल एलिमेंट है हमारे पास ए में है 40, बी 55, इंटरसेक्शन में दे रखे हैं 20, यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 और बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 माइनस 20, यानी के 35, और दोनों को कर दो ऐड, 20 प्लस 35 वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 35 इज 55, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है,
एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें 1, 2, 5, 6 एलिमेंट है, बी सेट में 2, 5, 7 एलिमेंट है, और एक सी सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है बी सम अपॉन में ए, ये तो अभी काउंट किए ऑफ एलिमेंट कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जो बी माइनस सी में है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको करना होता है आपको माइनस। देखो एक सेट है उनसे पूछे हैं इस, वो एलिमेंट पूछे हैं तो हम एलिमेंट निकाल लेते हैं बी माइनस सी, बी माइनस सी करो बी माइनस सी और सी माइनस बी, सी माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, तो बी में, तो बी में प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट, यानी कि 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, यह सी माइनस बी माइनस सी में एलिमेंट कौन से आएंगे, बी माइनस सी बी वाले एलिमेंट आएंगे सिर्फ 1, 2 और इसमें से ए के माइनस करने हैं आपको तो कौन से आ जाएंगे, इन दोनों की यूनियन में 1, 3, 9, 2 इसमें से ए के माइनस करने हैं, ए में एलिमेंट है 1, 2, 5 और 6 ये माइनस कर दो, 1, 2 चला गया तो बच गए कौन से 9, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट है, 3 ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है आपको, ए माइनस बी माइनस सी, और वाई दिया हुआ है ए माइनस बी यूनियन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तीनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन सी, कौन सा सेट बड़ा है कौन सा सेट है इक्वल है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू पुट करके भी और इम्प्लीकेशन से भी जा सकते हो इसमें, तो एक्स किसका सबसेट आ जाएगा इस वाई का ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं आता है कमेंट करना बाद इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेम उसी अप्रोच से सॉल्व करना आपको जैसे हमने सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था हमारा, सेम उसी अप्रोच से सॉल्व करना है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से करना है आपको। क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कितने हैं 175, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन द क्लास एज बिलो, 100 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, 70 ऐसे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, 46 हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद दो दो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले, ये मैथ है ये फिजिक्स है, ये दोनों पढ़ने वाले कितने दे रखे हैं 30, ये टोटल 30 दिया हुआ है, मैथ और केमिस्ट्री वाले, मैथ और केमिस्ट्री टोटल 28, फिजिक्स केमिस्ट्री 18, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, और तीनों के दिए हुए हैं यहाँ पे 18, ये 18 है भाई, ये 18 है, टोटल 30 है, तो ये वाले कितने हो जाएंगे 12, ये 18 है 28 है, तो यहाँ पे जो सिर्फ ये वाले 10 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 18, 5 हो जाएंगे, ये 5, क्या पूछा है मैथमेटिक्स में अकेले एनरोल कितने, मैथ में वैसे 100 थे, 100 में से सिर्फ मैथ के पूछे जाने आप 10, और ये पूरा 30, 40 हटा दो 60, डायग्राम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है,
हमें वो सबसेट्स काउंट करने हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो सबसेट्स काउंट करने हैं तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट, अभी किया था कार्टिजन प्रोडक्ट के पहले काउंट कर लेंगे हम आठ, उसके बाद इसके कितने होंगे एलिमेंट रिलेशन टू की पावर आठ और फिर बाइनोमियल रिपीट हो गया है। अब देख लेना नेक्स्ट, देखो एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं, हमें एलिमेंट काउंट करने हैं किसके, पावर सेट ऑफ ए के। अब पावर ए की कार्डिनलिटी क्या दे रखी है, दो, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पावर सेट क्या करता है, दो की पावर दो, अगेन एक बार फिर से लगाओगे क्या जाएगा, टू पावर फोर, दो चार दुनिया आठ दुनिया सोलह, ऑप्शन नंबर करेक्ट। इसके साथ ही हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से, और बाकी के जो भी हमारे प्रॉपर्टीज रह गई हैं सेट की और रिलेशन काउंट करना हमें रहता है अभी, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना सीखेंगे, रिलेशन निकालना सीखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।